कुंडली नगर पालिका चुनाव में चेयरपर्सन पद के लिए भाजपा प्रत्याशी शिमला देवी के चुनाव प्रचार के लिए इंद्री से राम कुमार कश्यप पहुंचे हैं। विधायक राम कुमार कश्यप ने कहा, नगर पालिका कुंडली में भाजपा चेयरपर्सन शहर का बहुमुखी विकास करवा सकती है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार शिमला देवी के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिमला देवी के चेयरपर्सन बनने पर एरिया का विकास दोगुना तेजी से होगा, क्योंकि केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भाजपा चेयरमैन बनने पर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार मिलकर काम करेगी। विधायक मोहनलाल बडौली के भाई माई राम कौशिक ने कहा कि शिमला देवी ने हर वार्ड में जाकर कोरोना काल में मेहनत की है, शहर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए चेयरपर्सन के डायरेक्टर चुनाव करवाए जा रहे हैं। अब पार्षद नहीं बल्कि जनता सीधे तौर पर अपने पसंद के प्रधान को चुनेगी। कौशिक ने कहा, कमल के फूल पर वोट कर शिमला देवी को चेयरपर्सन बनाए। उनका सभी में गुस्सा था, सारे गली हम गली गली अपने कंटेंट के लिए प्रचार में गए। जहाँ जहाँ हम गए हैं सभी जो हैं लोग वासी महिला पुरुष युवा सारे गलियों में आगे थे और उन्होंने भारी मात्रा में जो है काफ़ी संख्या में इकट्ठे होकर के जो है हमारे कैंडिडेट का जो है उसका स्वागत किया और उसको समर्थन देने का भी विश्वास दिया। मैं देखेगा जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, आज मैं कुंडली में था, कल मैं गन्नौर में था, मैंने तो कहीं कुछ भी नज़र नहीं दिया। सर प्रदेश के हाँ ठीक है, सच कहा आपने, पहली बार जो है नगर पालिका के जो है प्रधान पद का चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव होने जा रहे हैं। लोगों में इसका बड़ा भारी गुस्सा है, क्योंकि उनको सीधा एक मौका मिला है अपने प्रधान को सीधा वोट डालने का, सीधा उसे जुड़ने का। तो निश्चित तौर से इस प्रकार का जो चुनाव हो रहा है, मेरे बात से निश्चित तौर से जो है विकास जो है काफ़ी काफ़ी जोरदार तरीके से विकास होंगे, क्योंकि सेंटर में बीजेपी सरकार है, प्रदेश में बीजेपी सरकार है। हमारा एमएलए जो है मोहनलाल बडौली जी, यहाँ से जो वो बीजेपी का है, हमारा एमपी बीजेपी से है। फिर हमारा निश्चित तौर से आज हमारा चेयरमैन जो है शिमला देवी जो हमारा चेयरमैन बन जाएगी। इससे बनने से निश्चित तौर से मान्य जो हमारे विधायक हैं उनके माध्यम से मुख्यमंत्री से मिल करके ज़्यादा धन भेजा कराने का काम होगा। जब ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा विकास के काम होंगे। क्योंकि चुनाव हम इसलिए कराते हैं कि हमारा विकास हो, हमारी समस्याओं का समाधान हो। निश्चित तौर से जब ये हमारी पार्टी का बीजेपी का पार्टी का चेयरमैन बन जाएगा, निश्चित तौर से विकास जो है विकास की जड़ी बन जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। मैं अगर आज कल गन्नौर में था, जैसे मुझे देखने को मिला पिछली बार जो है हमारा ईश्वर कश्यप जो चेयरमैन था, उसका सारा समय ही उसको जो है इस प्रकार पार्षदों में गुजारा। पार्षदों ने कहीं एक पार्षद में मिलकर उसको हटा दिया, हटाने के बाद जो है उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तक जाना पड़ा। मतलब वो पूरा भ्रष्टाचार रहा, पार्षदों की खरीद फरोख्त होती रही। तो अब जैसे ही डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, कम से कम इससे तो छुटकारा मिले। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।